हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ बच्चों का बहुत ही फेवरेट डोरा केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और इसे बनाना बहुत ही आसान है। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं ये बहुत ही आसान सी डोरा केक की रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ डोरा केक जो बच्चों को बहुत ही पसंद होते हैं, और इसे बनाने के लिए मैंने एक लिया है बड़ा बोल और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप के करीब मैदा। 1 कप मैदा डालने के बाद इसमें डाल लेंगे 1/2 कप के करीब पिसी हुई चीनी यानी कि पाउडर शुगर। साथ में मैं डाल रही हूँ 1/4 कप के करीब मिल्क पाउडर और इसमें डाल लेंगे 1/2 चम्मच के करीब वेनिला एसेंस। और साथ में इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप के करीब तेल। तो यहाँ पर मैंने वेजिटेबल ऑयल लिया है और अब सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो अब मैं मिक्स कर लेती हूँ सभी चीज़ों को और इसमें साथ में मैं डाल रही हूँ 1/2 कप के करीब दूध। ज़रूरत पड़ेगी तो हम और दूध का यूज़ करेंगे, पहले हम इतना ही मिक्स करेंगे अच्छे से। बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें जरा भी गुठलियाँ नहीं रहे। तो यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है लेकिन ये बैटर अभी भी काफ़ी गाढ़ा सा है। इसमें थोड़ा सा दूध और मैं डाल रही हूँ, 2 से 3 टेबलस्पून के करीब मैंने दूध और डाल दिया है और मिला लेंगे इसे। जैसे केक का बैटर रहता है बिल्कुल उसी कंसिस्टेंसी का बैटर बनाकर हमें तैयार करना है। यहाँ पर मैंने बैटर को बहुत अच्छे से तैयार कर लिया है, ये देखिए, तो इस कंसिस्टेंसी का बैटर होना चाहिए। और अब इसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर, 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे और 1/4 चम्मच के करीब बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा और मिला लेंगे। इन दोनों चीजों के डालने से हमारा जो ये डोरा केक है काफी स्पॉन्जी सा बनेगा। तो ये मिक्स कर लेना है अच्छे से। अगर आपके पास ये दोनों चीजें नहीं है तो इसकी जगह पे आप इनो का भी यूज कर सकते हैं, 1 पाउच इनो डालकर ऐसे ही मिला ले। और ये बैटर हमारा तैयार है, अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में। और गैस पर मैंने एक पैन चढ़ाया है और पैन को हल्का सा हम ग्रीस कर लेंगे, बहुत ही हल्का सा। और अब जो हमने ये बैटर बनाया है, इस तरीके का कोई भी एक बर्तन ले लेंगे या बड़ा स्पून ले लेंगे जिससे कि हम बराबर बराबर पैनकेक बना सकें। तो मैंने ये कप ले लिया है और भरकर 1 कप यहाँ सेंटर में बिल्कुल डाल देंगे इस तरीके से। तो देखिए अपने आप ही स्प्रेड हो गया है, हम इसे फैलाएंगे नहीं बिल्कुल भी। और 1 कप मैंने इसमें डाल दिया है और अब इसे हम ढक देंगे। तो 2 मिनट के लिए ढक के रखेंगे, 1.5 से 2 मिनट के लिए, उसमें ही हमारा ये जो पैनकेक है तैयार हो जाएगा। 1 से 1.5 मिनट हो गए हैं और ये देखिए बबल्स आ गए हमारे पैनकेक में। और अभी इसे बहुत ही ध्यान से पलट लेना है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आया है। तो इधर से भी हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे, 1.5 से 2 मिनट के लिए। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और यहाँ पर हमारा ये पैनकेक बिल्कुल तैयार हो गया है। अगर ये पैन में चिपक रहा है तो आप किनारों पे थोड़ा तेल भी डाल सकते हैं। ये देखिए तो बहुत ही स्पॉन्जी सा पैनकेक हमारा बनके तैयार हुआ है। इसे मैं निकाल लेती हूँ और बाकी सारे भी बिल्कुल ऐसे ही बनाकर तैयार करेंगे। तो एक बार तवे को हल्का सा हम ग्रीस कर लेंगे ऐसे, और जैसे हमने पहले डाला था
बिल्कुल उसी तरीके से बैटर डालना है। सेम नाप से हम डालेंगे, जिस स्पून में हमने पहले लिया था बिल्कुल वैसे ही डालेंगे। तो इस तरीके से डाल देंगे सेंटर में और ये अपने आप ही बिल्कुल स्प्रेड हो जाएगा और सेम साइज का बनेगा। और इसे हम ढक देंगे, 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इसे पलट देंगे। ये देखिए इस तरीके से, और इसे फिर से हम ढक देंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। और इसी तरीके से मैं सभी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने डोरा केक बना के तैयार कर लिए हैं, तो टोटल 6 डोरा केक बन के तैयार हुए हैं इस तरीके से। और अब इस पे हम लगाएंगे चॉकलेट स्प्रेड। आप चाहे तो इसे बिल्कुल ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है ये। लेकिन अब इस पे हम लगाते हैं चॉकलेट स्प्रेड। तो कोई भी चॉकलेट स्प्रेड लेकर हम इसे इस तरीके से इसके ऊपर लगा लेंगे। जब ये चॉकलेट के साथ खाया जाएगा तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो चारों तरफ इक्वली फैला लेंगे। और इसके ऊपर हम ये दूसरा वाला डोरा केक इस तरीके से लगा देंगे। तो ये हमारा 1 डोरा केक बनके तैयार है। इसी तरीके से दूसरा वाला भी बना लेंगे। इसके ऊपर भी हम लगाएंगे ये चॉकलेट स्प्रेड। और उसके बाद दूसरा वाला इसके ऊपर हम ऐसे रख देंगे। और ये देखिए हमारा ये दूसरा वाला भी डोरा केक बनके तैयार है। तो इसको भी हम बिल्कुल ऐसे ही तैयार करेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 3 डोरा केक बना के तैयार कर लिए हैं। तो इस तरीके से डोरा केक जरूर ट्राई कीजिए। बच्चों को खासकर बहुत ही पसंद आने वाले, बहुत ही स्पॉन्जी बना है, बहुत ही आराम से तैयार हो जाते हैं। एक ही बार में बिल्कुल परफेक्ट बनने वाले डोरा केक हैं ये। तो जरूर ट्राई कीजिए रेसिपी। देखिए कितना स्पॉन्जी सा हमारा ये डोरा केक बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल जाली जालीदार। तो इस तरीके से ये डोरा केक जरूर बनाइए। तो इस तरीके से डोरा केक जरूर ट्राई कीजिए, और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिए कि डोरा केक की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए एपिसोड में। धन्यवाद।